शिवपुरी में नाबालिग वाहन चालकों पर आज यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है। यह वह बच्चे हैं जो आए दिन सड़कों पर स्पीड से दो पहिया वाहन चलाते दिखाई देते हैं, जिनकी उम्र 14 से 17 वर्ष के लगभग रहती है। जितनी गलती इन बच्चों की है, इसमें कहीं ज़्यादा इनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं, जो कि नाबालिग बच्चों को इनकी जिद के आगे मोटरसाइकिल और स्कूटर दिला देते हैं, जिसके बाद वे इसका इस्तेमाल स्टंट करने और स्पीडिंग और जल्दी घर पहुँचने में करते हैं। और तो और यह लोग हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं करते। आज इस कार्रवाई संकेतात्मक रूप से की गई, आगे भी यह हाल रहा तो इन लोगों पर न्यायालयीन कार्यवाही भी की जाएगी। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नहीं सकते इसको, हेलमेट भी नहीं, ऊपर से पापा ने गाड़ी क्यों दे दिया? स्कूल आते हो, चलो पापा आपका क्या चाहते हैं, आप कुछ बन के पढ़ के कुछ बन जाए, लेकिन आप नाबालिग को नियम क्या कहते हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस बनेगा, आप गाड़ी चलाओगे, फिर हेलमेट लगाओगे, दस्तावेज रखोगे, नियम है, सरकार ने जो नियम बनाए सब समझ के बनाए। अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाए तो पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, गलत कह रहे हैं क्या? और पापा को भी बहुत अच्छा कष्ट हो जाएगा आपके, तो भाई हम आपके भला चाह रहे हैं, इसलिए आप तो गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, पापा को फोन लगा दो और बुला लो यहाँ पर। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, चाबी दे दो, परेशान हो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत गाड़ी की रही, आपकी यही रही। हेलो, आदमी थोड़ा नुकसान कराता है, जितनी जिद और बढ़ेगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।